अगला, आज इस निभृत एकांत में तुमसे दूर पड़ी हूं मैं, और इस प्रगाढ़ अंधकार में तुम्हारे चंदन कसाव के बिना मेरी देहलता के बड़े बड़े गुलाब धीरे धीरे टीस रहे हैं, और दर्द उस लिपि के अर्थ खोल रहा है जो तुमने आम्र मंजरियों के अक्षरों में मेरी मांग पर लिख दी थी। आम के बौर की महक तुर्श होती है, तुमने अक्सर मुझ में डूब डूब कर कहा है कि वो मेरी तुर्शी है जिसे तुम मेरे व्यक्तित्व में विशेष रूप से प्यार करते हो। आम का वह बौर मौसम का पहला बौर था, अछूता ताजा सर्वप्रथम। मैंने कितनी बार तुम में डूब डूब कर कहा है कि मेरे प्राण, मुझे कितना गुमान है कि मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है वह सब अछूता था, ताजा था, सर्वप्रथम प्रस्फुटन था। तो क्या तुम्हारे पास की डार पर खिली, तुम्हारे कंधों पर झुकी वह आम की ताजी कुंवारी तुर्श मंजरी मैं ही थी, और तुमने मुझसे ही मेरी मांग भरी थी? क्यों मेरे प्रिय, यह क्यों मेरे प्रिय? क्या इसलिए कि तुमने बार बार ये कहा है कि तुम अपने लिए नहीं मेरे लिए मुझे प्यार करते हो? और क्या तुम इसी का प्रमाण दे रहे थे जब तुम मेरे ही निजत्व को, मेरे ही आंतरिक अर्थ को मेरी मांग में भर रहे थे? और जब तुमने कहा कि माथे पर पल्ला डाल लो, तो क्या तुम रिता रहे थे कि अपने इसी निजत्व को, अपने आंतरिक अर्थ को मैं सदा मर्यादित रखूं, रसमय और पवित्र रखूं नववधू की भांति? मैं सच कहती हूं, मैं इसे समझती नहीं, नहीं समझी, बिल्कुल नहीं समझी। ये सारे संसार से पृथक पद्धति का जो तुम्हारा प्यार है ना, इसकी भाषा समझ पाना क्या इतना सरल है? तिस पर मैं बांवरी जो तुम्हारे पीछे साधारण भाषा भी इस हद तक भूल गई कि श्याम ले लो पुकारती हुई हाट बाट में, नगर नगर में अपनी हंसी कराहती घूमती हूं। फिर मैं अगर अपनी मांग पर आम के बौर की लिपि में लिखी भाषा का ठीक ठीक अर्थ नहीं समझ पाई तो इसमें मेरा क्या दोष मेरे लीला बंधु? आज इस निभृत एकांत में तुमसे दूर पड़ी हूं, और तुम क्या जानो कैसे मेरे सारे जिस्म में आम के बौर टीस रहे हैं, और उन सब की अजीब सी तुर्श महक तुम्हारा अजीब सा प्यार है जो संपूर्णतः बांध कर भी संपूर्णतः मुक्त छोड़ देता है। छोड़ क्यों देता है प्रिय? क्या हर बार इस दर्द के नए अर्थ समझने के लिए? ये था आम्र बौर का अर्थ।